हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ, साड़ी कैसे पहनना है, इजीली कैसे पहनना है। और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है कि आप कैसे इजीली हिप प्लीट्स और आगे की प्लीट्स बना सकती हैं और इजीली आप अपनी पल्लू की प्लीट्स भी बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे मैंने एकदम परफेक्ट प्लीट्स बनाई हैं। और ये साड़ी में मैं बहुत स्लिम लग रही हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने का तरीका ये होता है कि आप उसमें स्लिम लगें। तो उसका भी क्या ट्रिक है मैं आगे चल के आपको बताऊँगी वीडियो में, तब तक वीडियो बने रहिए। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले ली है साउथ सिल्क साड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी कलर है और बहुत ही प्यारी साड़ी भी है। तो पहले मैंने सैंडल पहन ली, क्योंकि सैंडल ज़रूर पहन लीजिएगा अगर आप हील्स पहनते हैं, क्योंकि नहीं तो साड़ी आपकी उठी लगेगी या फिर बहुत ही नीचे लगेगी। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ली है, तो एक हिस्सा है पल्लू का और दूसरा हिस्सा है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो ये मुझे दूसरा हिस्सा मिल गया है और स्टार्ट हमेशा राइट साइड से करते हैं। तो ये मैं इसको टक इन करना यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो ये स्टार्ट कर दिया मैंने टक इन करना, और याद रहे कि बहुत ही एकदम टाइटली टक इन करेंगे, जिससे कि आपका जो बॉडी का शेप है वो बहुत सही आएगा और साड़ी में बहुत स्लिम लगेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ देख सकते हैं कि कितना मेरा क्रीस नहीं पड़ी है टक इन में। तो यहाँ मैं टाइटली टक इन कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपकी साड़ी का असली शेप बनता है। तो पीछे से ले आके आगे लेके मैं टक इन कर ले रही हूँ, और मैं धीरे धीरे आपको वीडियो दिखा रही हूँ, जिसलिए कि आपको पूरा समझ में आए। बस यहाँ तक हमको टक इन करना है और बस ये हो गया। और आप नीचे पेटीकोट पहनते हैं या फिर कुछ भी पहनते हैं तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लाजो पहना हुआ है। और आप पेटीकोट पहनते हैं, दो तरह के पेटीकोट आते हैं, एक थोड़ा सा फ्रिल ज़्यादा होता है, एक बहुत ही अच्छा शेप देता है, तो आप ध्यान से वो वाला पहने। बस अब हम आते हैं पल्लू की प्लेट्स बनाने के लिए। सबसे पहले पल्लू डिसाइड कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका पल्लू चाहे तो छोटा रह जाएगा या बड़ा रह जाएगा, जिससे आपका साड़ी पहनना एकदम बेकार हो सकता है। तो पल्लू अगर आपको स्लिम दिखना है और टॉल दिखना है तो पल्लू हमेशा लंबा होना चाहिए। अगर छोटा पल्लू होगा तो आप बहुत ही शॉर्ट दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पल्लू की लेंथ डिसाइड कर ली, आप इसकी प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पे प्लेट्स मैं स्टार्ट कर दिए। जो पहली प्लेट होती है वो थोड़ा सा चौड़ी होती है, और जो दूसरी होती है वो मतलब उसी के साइज़ की सारी प्लेट्स चलती है। चौड़ी इसलिए होती है कि जो पीछे की प्लेट्स है वो छुप जाए। तो इस तरीके से अगर आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे प्लेट्स जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ उस तरीके से प्लेट्स बनाइए, और नीचे पकड़ते जाइएगा, नहीं तो ऊपर की प्लेट्स आप ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से पूरी प्लेट्स मैं लगा ले रही हूँ, और बहुत इजी है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने साड़ी पहनना सीखा था तो मुझे बहुत टफ लगता था। बट अभी सब जब आप बहुत बार पहन लेंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो लेकिन अगर आप पहली दूसरी बार साड़ी पहने तो बहुत धीरे धीरे प्लेट्स अच्छी बनाइएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे से आराम से बना लीजिएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पल्लू पर डाल दिया, तो जो हमने पहला प्लेट बनाया था वो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बॉर्डर भी दिख रहा है, तो इससे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो बस इसके बाद मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया, और जो अंदर का एक हिस्सा था उसको ले जाके हमें पीछे की तरफ से लाके और अपने लेफ्ट साइड में लाके टकिंग कर लेना है, जिसलिए कि अगर आप अपनी कमर शो करना नहीं चाहते हैं और एक अच्छा सा शेप आता है उससे, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टकिंग कर लेना है। टकिंग कर सकते हैं या फिर पिन लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पिन लगाया है। कभी कभी मैं साड़ी का ट्यूटोरियल बताती हूँ तो उसमें टकिंग करना भी बताती हूँ, वो भी जाके आप देख सकते हैं। अब यही प्लेट्स कैसे बनाती हैं, तो नीचे का एक हिस्सा ला के एक या दो चुन्नट बना के हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, तो इससे हमारी बहुत ही अच्छी हिप प्लेट्स बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये हिप प्लेट्स हमारी बन गई, इससे बहुत ही अच्छा शेप आता है साड़ी में। और अब आती है बारी हमारे जो आगे के प्लेट्स है वो बनाने की। तो ये भी लोगों को बहुत टफ टास्क लगता है, अपने राइट साइड से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। मैं आपको एकदम बेसिक सा बता रही हूँ, क्योंकि सब नहीं बताते हैं, समझ में नहीं आता कि किधर से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना है राइट साइड से और लेफ्ट साइड की तरफ आना है प्लेट्स बनाते हुए। धीरे धीरे बनाइएगा, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये मैं 4 से 5 प्लेट्स मेरी दिखती हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, नहीं तो आगे की तरफ बहुत मोटा मोटा लगने लगता है, तो उतना मैं आगे नहीं करती हूँ।
तो जो फ्रंट प्लेट होती है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, जिससे कि जब पैकिंग करें तो नीचे की प्लेट्स ना दिखे। ये देखिए, अब ये साड़ी मैंने पहन ली है। अब मैं करूँगी इसे एक्सरसाइज और ब्लाउज भी पहन लिया है। तो मैंने पर्ल का मेरा ये छोटा सा माला था वो मैंने डबल करके लंबा माला था वो मैंने डबल करके पहना है। उसके बाद आती है बारी ईयरिंग्स की। तो बहुत ही खूबसूरत ईयरिंग्स है जो इस पर मैच करेंगी, तो ईयरिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन अभी आप साड़ी देख लीजिए किस तरह से अच्छा सा शेप आया है। तो वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और भी ऐसे वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ तो आप उसको चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं बहुत से तरीके की साड़ी पहनना बताती हूँ तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह कमर पे एक अच्छा सा शेप आया है, हिप प्लेट्स भी बहुत साफ़ बनी हैं और फ्रंट की प्लेट्स भी बहुत अच्छी से बन गई हैं। तो ये तरीका पसंद है लाइक कर दीजिएगा, और ये शेप देख सकते हैं आप। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हैं तो इस तरीके से साड़ी पहनेंगे तो बहुत ही स्लिम लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे और प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो ये रहा, और भी आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। साड़ी को वैसे चूड़ी पहन लेंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे। तो ये था पूरा लुक। इसके बाद आते हैं ईयरिंग्स पे। तो ये मेरी ईयरिंग्स है, इसको मैंने इसके साथ पहना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हैवी, क्योंकि जो मेरा नेकलेस है वो बहुत ही पतला सा है तो इसलिए मैं ईयरिंग्स हैवी ले जा रही हूँ इसके। तो ये रहा फाइनल लुक। आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।